करते हैं। आपको क्वेश्चन में जो फिगर देके रखा है शायद इस प्रकार का देके रखा है, चेक करो। क्या क्वेश्चन नंबर वन में अपन देखते हैं क्या क्या गिवन है? हाँ बिल्कुल सही, अपन देखते हैं, लगा के देखते हैं ना। अगर अपन देखें कि क्या क्या गिवन है, सर ए बी ये सी है और ये डी है। आपको बोल के रखा है सबसे पहली बात तो ए सी इज इक्वल टू कितना, ए डी। हमने बोला थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू, आपने ए सी और ए डी का बोल दिया इक्वल। मतलब पहली बात तो बात कौन कौन से ट्राइंगल में हो रही है, सर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल के बीच में बात हो रही। फिर उन्होंने एक वर्ड और बोल दिया जो दिल के करीब है, वो बोल रहे हैं ए बी बाइसेक्स एंगल ए, ए बी बाइसेक्स एंगल ए। इसका मतलब ये जो ए बी है वो एंगल ए को चीर डाल रही, क्या डाल रही है, चीर डाल रही है। बाइसेक्ट मतलब क्या, बाइसेक्ट, कभी उसे पढ़ा ना साइंस में बाइसेक्शन। बाइसेक्शन का मतलब क्या, अगर मैं आपकी बॉडी को तलवार से ऐसे काट काटूंगा नहीं लेकिन काटू, हाँ उसको बोलते हैं बाइसेक्ट। क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट। तो यहाँ पे भी कितना हो गया x और वहां पे भी कितना हो गया x। तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि याला एंगल ऊपर वाला, अगर अपन नाम दें इसका नाम कह देते हैं एंगल वन और इसका नाम कह देते हैं एंगल टू। कैन वी से एंगल वन इज इक्वल टू कितना, एंगल टू। और क्या दोनों ही ट्राइंगल में ए बी कॉमन है, तो इसकी ए बी इज इक्वल टू उसकी कितना, ए बी। जितना मुझे समझ में आ रहा है बच्चे समझे, तो शायद ये हो गया एस ए एस, एस ए एस। तो सर ये एस हो गया, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, एस। तो क्या अपन बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी बाय व्हाट, एस ए एस। सर अगर अपन बात करें ऐसे में तो बाय सी पी सी टी बची भी चीज, इसकी बी सी बी डी, इसका शायद एंगल सी। हमने पढ़ा था अगर ट्रायंगल की कोई तीन चीजें इक्वल हो जाती हैं तो बची हुई तीन चीजें अपने आप इक्वल हो जाती हैं, और यहाँ से आप बोल सकते हो एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर या एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। बोलो कोई डाउट तो नहीं आता, पक्का आ गया समझ में? सर ठीक है, इजी था, मैंने बोला हाँ इजी था ये वाला क्वेश्चन तो, एक बार देखना क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत अच्छा है। सर चीजें जो लिखी हुई है ना वो ध्यान से पढ़ोगे तो मजा आएगा आप लोगों को कि सर अगर अपन देखें कि आप क्या बोलना चाह रहे हो क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है उनका। ठीक है, ये ए बी सी और डी, देखो जो उन्होंने बातें बोल के रखी हैं अपन उन बातों को भी देख ले। सबसे पहले तो उन्होंने बोला एंगल डी ए बी, मतलब ये पूरा एंगल, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल कितना, सी बी ए, मतलब सी बी ए। मतलब ये बात बोल के रखी है दोनों बड़े बड़े एंगल आपस में क्या है, इक्वल। डी ए बी और सी बी ए, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। और ये बोल के रखा है कि इसकी ए डी और इसकी बी सी भी क्या है, इक्वल। ऐसा उन्होंने खुद ने बोल के रखा है कि इसकी ए डी और इसकी बी सी अपने आप में क्या है, इक्वल। अपन एक्स एक्स बोल सकते हैं, हाँ कि ना। अब सर पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ी बहुत बदबू आने लगती है, ये एस साइड तो हो चुकी है, एंगल भी हो चुका है, ये एस साइड भी हो चुकी है, एंगल भी हो चुका है। अब वो बोल रहे हैं इस वाले ट्राइंगल को अपन ट्राइंगल बना ले, ज्वाइन कर ले और यहां से इसको भी ज्वाइन कर लेते। मुझे बताओ क्या अगर अपन बात करें इन ट्राइंगल, ध्यान से ना कौन सा ट्राइंगल होता, डी ए बी, डी ए दिख गया सबको, डी ए बी। सर डी ए बी कौन सा ट्राइंगल है, थोड़ा शेड कर लेंगे, ये वाला ट्राइंगल, ये तुम्हारे पास क्या है, डी ए बी, ठीक है ना, पक्का आगे ना। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ एंड ट्राइंगल कौन सा, एंड ट्राइंगल ए बी सी। पता नहीं क्यों ट्राइंगल का नाम देख के सोचो क्या दोनों में कुछ कॉमन साइड है क्या। सर इस वाले में डी ए बी में भी क्या है, ए बी, और ए
बीसी जब का एबीसी जा रहा है उसमें भी ए बी क्या है कॉमन, तो अपन बोल सकते हैं क्या इसमें भी ए बी है, मतलब डीएबी में भी ए बी है। और सर थोड़ा सा अगर अपन देखें तो ये तुम्हारा कौन सा ट्रायंगल है एबीसी, दिख रहा है क्या आपको एबीसी? तो सर देखो ना ए बी उसमें भी है और ए बी इसमें भी, क्या दोनों में ए बी है क्या? हाँ यार सर, तो ए बी तो एक में नहीं है, ए बी किस में है? दोनों में। तो कैन वी से ए बी इज इक्वल टू कितना, ए बी इज इक्वल टू कितना तुम्हारे पास ए? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? यहाँ तक पक्का? अगर अपन बात करें तो बोल सकते हैं एस ए एस एस ए एस, सही है क्या? कुछ सोचना, एक तो आपका एंगल हो गया, एक तो क्या हो गया आपके पास एंगल, हाँ क्या ना? कौन सा वाला? ये पूरा एंगल ए इज इक्वल टू पूरा एंगल बी, ये साइड हो गई, ये साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या डी ए बी, ये देखो इसको आप लिखना पड़ेगा ए और ये एस है और ये क्या है एस, लेकिन ए एस एस मत बोलना, ये क्या है एस एस। तो ट्राइंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल व्हाट ए बी सी बाय एस ए एस बाय सी पी सी टी। बची हुई तीन चीजें ढूंढ सकते हो क्या, क्या क्या ढूंढो बताओ? तुम बोल, हाँ बच्चे बोल सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, क्या सही पकड़े आप, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी सही है। और इसकी इसकी ए सी बेटा बी डी इक्वल टू ए सी तो गिवन ही है ना, बी डी, हाँ बी डी इक्वल टू ए सी नहीं गिवन, वही बी डी इक्वल टू कितना और कुछ सोचो, तीसरी चीज बची, दो साइड तो यूज कर सकती है, देखो दो साइड तो ले चुके हो तो साइड तो बची एक ही है जो यूज कर ली। इस वाले ट्राइंगल का ध्यान से देखना, मैं ग्रीन कलर से तुमको मार्क करके दिखा रहा हूँ अच्छे से, कि ट्राइंगल डी ए भी दिख रहा है क्या? डी ए भी उसका याला एंगल बी दिखा क्या? डी ए बी का याला एंगल बी और ए बी सी का याला एंगल कौन सा? ए दिख रहा है क्या याला एंगल ए? हाँ कि ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, हाँ कि ना, दिखा तुमको ग्रीन से? तो इसका एंगल ए इज इक्वल टू उसका एंगल क्या था बी, सही है क्या था? पक्का? तो क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? यस, सीपीसीटी लगा लिया। हाँ चलो, आपको बोल के रखा है और अपन बहुत अच्छे से फिगर बनाए, तो अगर अपन लेके चले तो सर आपके पास चीजें कुछ ऐसी हैं, आपको पास क्वेश्चन जो गिवन है ना, अपन पहले क्वेश्चन के फिगर लिख लेते हैं और फिर अपन बात करते हैं ए डी बी सी। आपको क्वेश्चन में इंग्लिश में गिवन है, इंग्लिश में लिखा हुआ है AD and BC are equal perpendicular। जैसे इन्होंने ये बात बोली ना, मेरे दिल ने बोला मैं झट से लिख दूं AD equal to कितना BC, मतलब इसकी AD और इसकी BC आपस में क्या है, बस अब तो मेरा काम ही हो गया बताऊं। हाँ अब सही, बिल्कुल सही बोल रहा है कि सर इसका एंगल A और इसका एंगल B क्या है 90, अच्छी बात, ये बात भी सही है, एंगल A और एंगल B कितने हैं 90, और शायद एंगल O is equal to एंगल O जो कि क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, मुझे दिख रहा है ए ए एस ए ए एस दिख रहे हो गए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो आप क्या बोल सकते हो ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कितना बी ओ सी बाय व्हाट ए ए एस, दो साइड के बीच में फंसा हुआ, दो एंगल के बीच में फंसी हुई साइड नहीं है, दो एंगल के बाद वाली साइड है, हाँ कि ना? क्या ये और ओ इक्वल है वर्टिकली अपोजिट, एंगल बी और एंगल ए इक्वल है 90 डिग्री, और खुद ने बोला ए डी और बी सी आपस में क्या है इक्वल, ए ए एस ए ए एस से ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, अगर ट्राइंगल ए ए एस से क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय सी पी सी टी। बची हुई तीन चीजें कौन कौन सी? बहुत सही, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, बिल्कुल सही,
वो तो पहले ही बोल देता ना, जो तूने ऊपर यूज किया है डीओ और ओसी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ओए और ओए और कितना ओबी। आपको बोल के रखा है कि एल और एम भी तो पैरेलल लाइंस है, हमने बोला ठीक है भाई अगर ये एल है, ये एल, ये एम है, ये एम, और यहां से एक पी है, और यहां से क्या है, तो सर उन्होंने इसका नाम एल दे के रखा है, इसका नाम एम दे के रखा है, इसका नाम पी दे के रखा है, इसका क्यू, सॉरी उल्टा दे दिया मैंने। अगर अपन बात करें, ये आपके पास L है, ये M है, ये P है, और ये क्या है आपके पास Q। और अगर अपन बात करें तो ये यहाँ से सर लाइंस पैरेलल देके रखी हैं, मैंने बोला हाँ यार ये बात, ये लाइंस पैरेलल देके रखी हैं। सबसे पहले तो अगर कोई मुझसे पूछे कि कुछ बातें और सिस्टमेटिक बातें, तो मेरे को तो सिर्फ इतना सा बोलना है एक लाइन से मेरा पूरा काम हो जाएगा सर, क्योंकि अगर मैं बात करूं उसको नाम दूं क्या ए बी सी डी, अगर मैं इसको नाम दूं इनडायरेक्टली ए बी पैरेलल टू क्या होगी सी डी, और ए डी पैरेलल टू क्या होगी बी सी, मतलब सर आप बोल रहे हो ये और ये पैरेलल है, ये और ये भी क्या है पैरेलल, सही है यहां तक। इसका मतलब ए बी सी डी क्या हो गया एक पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या हो गया, बस इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं, जैसे एबीसीडी आपके पास क्या हो गया पैरेललोग्राम, आप डायरेक्टली बोल सकते हो भाई ए बी इक्वल टू कितना हो सी डी, भाई अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है ना, ए बी इक्वल टू कितना सी डी, उसकी ए डी इसकी कितना ए डी इक्वल टू कितना बी सी, और ए सी इक्वल टू कितना ए सी, ए सी इक्वल टू कितना भाई ए सी, ए सी कॉमन है ना भाई, अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसके अपोजिट साइड्स तो क्या होंगे इक्वल, ये भी मतलब ए बी इक्वल टू कितना सी डी, ए डी इक्वल टू कितना बी सी, और ए सी ए सी क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो अपन बोल सकते हैं कि ट्राइंगल, बिल्कुल सही, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय व्हाट एस 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 बाय सी बी सी डी, में बचे हुए तीनों एंगल्स कौन से, यहाँ का एंगल बी, एंगल डी, एंगल वन, हाँ एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल,